हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल राउंडर सिब्लिंग्स। आज हम करेंगे कंप्यूटर आईसीएसई बोर्ड क्लास 8, चैप्टर नंबर 8। हम पढ़ रहे थे इंट्रोडक्शन टू नेटवर्किंग, जिसके टू पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। आगे का हम अभी नहीं कर पाए थे, कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से दो दिन हो गए हैं, मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी। बट हम अब जल्द ही थोड़ी सी स्पीड पकड़ेंगे ताकि आप लोगों को और कंटेंट मिल सके आपके एग्जाम्स के लिए। आई होप आप सभी के एग्जाम्स अच्छे जा रहे हैं। अगर अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं तो अच्छे से प्रिपरेशंस कीजिए। कुछ भी बिल्कुल भी स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आप जितना स्ट्रेस लेंगे, जितना भी आपको याद है ना, उसकी वजह से आप सब भूल जाएंगे। तो जितना आता है उतना कीजिए, बट अच्छे से कीजिए। ओके, तो लास्ट लेक्चर में हमने प्रोटोकॉल्स पढ़ने स्टार्ट किए थे। उसमें टू प्रोटोकॉल्स हमने पढ़ लिए थे, TCP IP पढ़ा था, HTTP पढ़ा था। तो ये आज थर्ड पार्ट है जिसमें हम FTP के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये थर्ड प्रोटोकॉल है FTP। तो ये क्या होता है हम ये पढ़ेंगे। जो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। FTP पढ़ने से पहले आपको यहाँ पर ये लेट्स नो मोर दिया हुआ है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। क्या बोल रहा है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, यानी कि HTTPS इज द सिक्योर वर्जन ऑफ HTTP। HTTP का सिक्योर वर्जन है HTTPS। द प्रोटोकॉल ओवर विच, ये ऐसा प्रोटोकॉल है जिस पर द डेटा इज सेंट बिटवीन योर ब्राउजर एंड द वेबसाइट दैट यू आर कनेक्टेड टू। ये वो प्रोटोकॉल होता है जिसमें डाटा को भेजा जाता है आपके ब्राउजर के बीच में, आपके ब्राउजर और जिस वेबसाइट से आप कनेक्टेड हो उनके बीच में डाटा को भेजा जाता है, ये वो प्रोटोकॉल है। हियर ऑल द कम्युनिकेशंस बिटवीन द ब्राउजर एंड वेबसाइट आर एनक्रिप्टेड। यहाँ पर जितनी भी कम्युनिकेशन होती है ब्राउजर और वेबसाइट के बीच में, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। ये होता है आपका HTTPS। अब हम पढ़ते हैं FTP क्या होता है। द फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल FTP इज अ स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये एक स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल है। इट इज़ वन ऑफ द सिंपलेस्ट एंड इजिएस्ट वेज टू एक्सचेंज फाइल्स बिटवीन टू और मोर कंप्यूटर्स ऑन द इंटरनेट यूजिंग FTP क्लाइंट एंड FTP सर्वर सॉफ्टवेयर। ये एक सिंपलेस्ट और इजीएस्ट तरीका है जिससे आप फाइल्स को एक्सचेंज कर सकते हो दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स के बीच में इंटरनेट पर, FTP क्लाइंट एंड FTP सर्वर सॉफ्टवेयर को यूज़ करके। FTP यूजेस TCP IP प्रोटोकॉल्स। FTP जो है वो TCP IP जो हमने पढ़ा था उन प्रोटोकॉल्स को यूज़ करता है टू डाउनलोड सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स ऑन द कंप्यूटर फ्रॉम द अदर सोर्सेज। ठीक है, FTP TCP IP प्रोटोकॉल्स को यूज़ करता है। किस लिए यूज़ करता है? दूसरे सोर्सेज से कंप्यूटर पर सॉफ्टवेयर या फिर कोई प्रोग्राम डाउनलोड करने के लिए। द सोर्स कैन बी अ वेब सर्वर और रिमोट होस्ट ओवर द इंटरनेट। जो सोर्स है आपका वो आपका वेब सर्वर हो सकता है या फिर रिमोट होस्ट हो सकता है पूरे इंटरनेट पर। Nowadays, आजकल ब्राउजर्स हैव एन इनबिल्ट फीचर टू मेक FTP रिक्वेस्ट टू अदर सर्वर्स। आजकल ब्राउजर्स में एक इनबिल्ट फीचर होता है, ठीक है, अपने आप ही बना हुआ एक फीचर होता है जिससे FTP रिक्वेस्ट, ठीक है, जिससे FTP जो है वो रिक्वेस्ट कर सकता है दूसरे सर्वर से। क्या रिक्वेस्ट कर सकता है? कि ये फाइल ट्रांसफर करनी है टू एक्सेस एनी फाइल और कंटेंट यूजिंग FTP। अगर हम किसी भी फाइल को एक्सेस करना चाहते हैं, कोई भी कंटेंट यूज़ करना चाहते हैं FTP को यूज़ करके, अ यूज़र नीड्स टू लॉग इन ऑन द FTP सर्वर। को जो यूज़र है जिसे चाहिए वो फाइल या कंटेंट चाहिए, तो एक यूज़र को उस FTP सर्वर पर लॉग इन करना पड़ता है एंड प्रोवाइड हिज हर क्रेडेंशियल्स, और अपने क्रेडेंशियल्स यानी कि अपनी इन्फो उसमें देनी पड़ती है। ठीक है, समझ में आया। द FTP सॉफ्टवेयर अलाउज द यूज़र टू ड्रैग एंड ड्रॉप द फाइल बिटवीन द रिमोट एंड लोकल होस्ट। FTP सॉफ्टवेयर जो होता है वो आपको अलाउ करता है, आपको मीन्स यूज़र को अलाउ करता है कि वो फाइल को रिमोट और लोकल होस्ट में ड्रैग करे और ड्रॉप कर दे। ठीक है, रिमोट यानी जो दूर है और लोकल यानी जो पास में है, उन दोनों के बीच में, यानी कि रिमोट से लाकर लोकल को ड्रॉप कर देता है वो FTP सॉफ्टवेयर। सम ऑफ़ दी फाइल्स आर ऑलवेज अवेलेबल फ्री फॉर पब्लिक यूज़ और डाउनलोड। कुछ फाइल्स ऐसी होती हैं जो हमेशा फ्री अवेलेबल रहती हैं पब्लिक यूज़ के लिए भी और डाउनलोड करने के लिए भी, वो फाइल्स फ्री रहती हैं। सच फाइल्स कैन ईजिली बी एक्सेस यूजिंग द एनोनमस FTP। ऐसी फाइल्स को आप ईजिली एक्सेस कर सकते हो FTP को यूज़ करके। अब यहाँ पर देखिए फैक्ट फाइल में दिया हुआ है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल वॉज ऑरिजिनली डेवलप्ड बाय अभय भूषण एंड पब्लिश्ड इन 1971। FTP जो है वो ऑरिजिनली किसने डिज़ाइन किया था? अभय भूषण ने डिज़ाइन किया था, और ये FTP पब्लिश हुआ था 1971 में। तो आई होप आपको FTP प्रोटोकॉल समझ में आ गया है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, नाम से समझ में आ रहा है फाइल ट्रांसफर होती है इसमें। नेक्स्ट प्रोटोकॉल है SMTP। कौन सा? SMTP, द सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इट इज़ द मोस्ट कॉमन प्रोटोकॉल यूज फॉर सेंडिंग ईमेल्स। मेल बोल रहा है ना, तो ईमेल्स को भेजने का
प्रोटोकॉल्स है, प्रोटोकॉल है ये, तो ये मोस्ट कॉमन प्रोटोकॉल है जिसका यूज़ किया जाता है ईमेल्स भेजने के लिए दो या दो से ज़्यादा सर्वर्स के बीच में। इट इज़ जनरली यूज टू सेंड मैसेजेस फ्रॉम अ मेल क्लाइंट टू अ मेल सर्वर। तो इसका SMTP का ज़्यादातर यूज़ किया जाता है नॉर्मली मैसेजेस को भेजने के लिए, एक मेल क्लाइंट से दूसरे मेल सर्वर को भेजने के लिए। मैसेजेस आर देन रिट्रीव्ड एट द रिसीवर साइड विद द हेल्प ऑफ POP3 और IMAP। तो जो मैसेजेस जो भेजे जाते हैं वो रिसीवर की साइड पर उन्हें रिट्रीव किया जाता है, यानी कि फिर से रीडेवलप किया जाता है POP3 या IMAP के हेल्प से। अब ये POP3 और IMAP क्या है वो हम पढ़ेंगे यहाँ पर। यहाँ पर आपको SMTP की वर्किंग शो करी हुई है, ठीक है। क्या PC से भेजा है मेल क्यू, SMTP सर्वर इंटरनेट पर गया, इंटरनेट से मेल क्यू, फिर से POP3 सर्वर, और फिर PC दूसरे PC पर रिसीव हुआ है। तो ये इस तरीके से काम करता है। अब ये POP3 एंड IMAP क्या है हम ये पढ़ लेते हैं। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, POP3 है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल एंड IMAP है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, आर दी टू मोस्ट पॉपुलर इंटरनेट स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स फॉर रिट्रीविंग ईमेल्स। ईमेल्स को रिट्रीव करने के लिए ये दो मोस्ट पॉपुलर इंटरनेट स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स यूज करे जाते हैं, POP3 एंड IMAP। इन टूडेज वर्ल्ड, आज के वर्ल्ड में ऑलमोस्ट एवरी सिंगल ईमेल क्लाइंट सपोर्ट्स बोथ दीज प्रोटोकॉल्स ड्यू टू देयर वाइड एक्सेप्टेबिलिटी। आज के वर्ल्ड में बात करें, हम आज की जनरेशन की बात करें, तो ऑलमोस्ट हर एक सिंगल ईमेल क्लाइंट जो होता है वो इन दोनों प्रोटोकॉल्स को क्या करता है, सपोर्ट करता है, क्योंकि ये वाइडली एक्सेप्टेबल हैं ये दोनों प्रोटोकॉल्स, ठीक है। हर कोई इन्हें एक्सेप्ट करता है, इसीलिए इन दोनों प्रोटोकॉल्स का यूज़ किया जाता है। द यूटिलिटी ऑफ POP3 एंड IMAP प्रोटोकॉल्स वेरीज विद रेस्पेक्ट टू देयर यूजेज इन डिफरेंट एनवायरमेंट्स। इन दोनों की जो यूटिलिटी है, इन दोनों प्रोटोकॉल्स की जो यूटिलिटी है वो वेरी करती है, यानी कि डिफरेंट हो सकती है उनके यूसेज के बेसिस पर, यानी कि यूज़ किस एरिया में करे जा रहे हैं इसके बेसिस पर इनकी यूटिलिटी डिफरेंट हो सकती है। व्हेन कॉन्फ़िगरिंग एन ईमेल एप्लीकेशन, ईमेल एप्लीकेशन को कॉन्फ़िगर करते वक्त इट इज़ एसेंशियल टू स्पेसिफाई बोथ द सेंडिंग प्रोटोकॉल एंड रिसीविंग प्रोटोकॉल, ठीक समझ रहे हो क्या। जब आप ईमेल एप्लीकेशन को कॉन्फ़िगर कर रहे हो तो ये ज़रूरी है कि दोनों प्रोटोकॉल्स को क्या करो, आप स्पेसिफाई करो। सेंडिंग प्रोटोकॉल भी स्पेसिफाई होना चाहिए यानी कि SMTP, और रिसीविंग प्रोटोकॉल भी आपका क्या होना चाहिए, स्पेसिफाई होना चाहिए, यानी कि POP3 और IMAP। ओके, अभी देखिए आपको यहाँ पर वर्किंग दिखाई हुई है IMAP एंड POP3 की। ये आपके न्यू ईमेल मैसेज हैं, यहाँ पर ईमेल सर्वर पर गए, ठीक है। दो तरीके से आप इन्हें चेक कर सकते हो, IMAP के साथ या फिर POP के साथ। IMAP में क्या बोल रहा है, मैसेजेस एंड मेल बॉक्सेज आर स्टोर्ड सेंट्रली, सेंट्रली स्टोर करे जाते हैं मैसेजेस और मेल बॉक्सेज को, सो यू कैन व्यू देम फ्रॉम एनी कंप्यूटर सेटअप विद योर IMAP अकाउंट डिटेल्स। IMAP अकाउंट डिटेल्स के साथ आप किसी भी सेटअप से, किसी भी कंप्यूटर से आप अपना ये डेटा देख सकते हो, मैसेजेस और मेल बॉक्सेज आप देख सकते हो। तो ये अगर आप IMAP से चेक कर रहे हो तो ये स्टोर होती है आपकी UCL सेंट्रल फाइल स्टोर, ठीक है, सेंट्रल में। तो इसमें आपको एक एड्रेस, आपके अकाउंट डिटेल्स मिलती है, तो आप किसी भी तरह के कंप्यूटर से आप उसे देख सकते हो। तो जैसे आपका UCL कंप्यूटर, होम कंप्यूटर या इंटरनेट कैफ़े होता है ना, वहाँ से आप अपने जो भी मैसेजेस मेल बॉक्स है आप उन्हें देख सकते हो थ्रू IMAP। अगर ईमेल सर्वर आप चेक कर रहे हो POP से, तो POP में आप देख सकते हो UCL कंप्यूटर और होम कंप्यूटर पर, इंटरनेट कैफे में नहीं देख सकते। क्या बोल रहे हैं, मैसेजेस मेल बॉक्सेस आर स्टोर्ड लोकली ऑन वन कंप्यूटर, एक ही कंप्यूटर पर स्टोर्ड रहते हैं। वंस अ मैसेज इज डाउनलोडेड टू योर कंप्यूटर, इट कैन नॉट बी व्यूड फ्रॉम अनदर लोकेशन। अगर आपने एक मैसेज अपने कंप्यूटर में डाउनलोड कर लिया तो आप दूसरे कंप्यूटर से या दूसरी लोकेशन से उसे चेक नहीं कर सकते हो, नहीं व्यू कर सकते, नहीं देख सकते हो आप। तो आई होप आपको ये सारे प्रोटोकॉल समझ में आ गए। हम पढ़ते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है। क्या क्लाउड कंप्यूटिंग, इट कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स, इसमें दो वर्ड्स आ रहे हैं, क्लाउड एंड कंप्यूटिंग। क्लाउड इज अ मेटाफर फॉर द इंटरनेट, सो इट मीन्स कंप्यूटिंग ऑन द इंटरनेट। क्लाउड एक मेटाफर है इंटरनेट के लिए, तो इसका मीनिंग हो गया इंटरनेट पर कंप्यूटिंग करना, ठीक है। बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग क्या हो गया, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ मैनिपुलेटिंग, कन्फिगरिंग एंड एक्सेसिंग ऑनलाइन एप्लीकेशंस। जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस होती हैं उन्हें मैनिपुलेट करना, कन्फिगर करना और एक्सेस करना क्लाउड कंप्यूटिंग कहलाता है। इट ऑल्सो ऑफर्स एन ऑनलाइन डेटा स्टोरेज फैसिलिटी, और क्लाउड कंप्यूटिंग में ना आपको ऑनलाइन डेटा स्टोर करने की भी फैसिलिटी मिलती है। क्लाउड कंप्यूटिंग में क्लाउड इज स्टोरेज लोकेशन। क्लाउड कंप्यूटिंग में क्लाउड क्या होता है, एक स्टोरेज लोकेशन होती है विच इज प्रेजेंट एट अ रिमोट लोकेशन। ये एक स्टोरेज लोकेशन होती है जो कहीं दूर आपके सिस्टम में क्या रहती है, प्रेजेंट रहती है। इट प्रोवाइड सर्विसेज ओवर द नेटवर्क दैट इज आइदर ऑन द पब्लिक और प्राइवेट नेटवर्क, ठीक है।
ये जो क्लाउड कंप्यूटिंग है इसकी मदद से आप सर्विसेज आपको अलग अलग मिलती हैं अलग अलग तरह के नेटवर्क पे, यानी कि पब्लिक नेटवर्क पे भी मिल सकती है, प्राइवेट नेटवर्क नेटवर्क पर भी आप इनकी सर्विसेज को यूज़ कर सकते हो। गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स, एप्पल आई क्लाउड ड्राइव आर सम ऑफ द कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ फ्री और लो कॉस्ट ऑनलाइन स्टोरेज फॉर द यूज़र्स। ये ऑनलाइन स्टोरेज ऐप्स हैं यूज़र्स के लिए, ठीक है, या तो इनमें से कुछ फ्री भी होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो लो कॉस्ट हैं, यानी कि थोड़े बहुत फीस आपको देनी इसमें पड़ती है। ये से हम बोलते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। नाउडेज यूज़ ऑफ क्लाउड ड्राइव्स इज़ इन ट्रेंड। आजकल क्लाउड ड्राइव्स को यूज़ करना बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। पीपल यूज़ क्लाउड स्टोरेज, क्लाउड स्टोरेज का लोग यूज़ करते हैं टू सेव एंड शेयर द डेटा इंस्टीड ऑफ यूजिंग फिजिकल ड्राइव्स। फिजिकल ड्राइव्स को यूज़ करने की जगह पर लोग क्लाउड स्टोरेज का यूज़ करते हैं ताकि वो डेटा को सेव भी कर सकें और शेयर भी कर सकें, ठीक है। दिस इंश्योर्स द अवेलेबिलिटी ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम रिसोर्सेज ऑन द डिमांड। इससे क्या होता है, जो कंप्यूटर सिस्टम पर ना आपके रिसोर्सेज अवेलेबल रहते हैं जब भी आपको चाहिए, ठीक है। फिजिकल ड्राइव्स में क्या होता है, आपको पहले वो ड्राइव लगानी पड़ती है, उसके बाद आप डेटा देख सकते हो अपना कुछ भी, है ना। बट इसमें क्या है, आपके क्लाउड ड्राइव्स होने की वजह से आपके कंप्यूटर सिस्टम पर ही वो रिसोर्सेज आपके अवेलेबल होते हैं, इसे हम बोलते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। आगे बढ़ते हैं, अब हम पढ़ेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग पजेसेस दी फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें ये सभी कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं, ठीक है, आपको यहाँ पर फिगर में दिखाए हुए हैं। ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस, ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस, रिसोर्स पूलिंग, रैपिड इलास्टिसिटी एंड मेजर्ड सर्विस। तो इन सभी फैक्टर्स के बारे में, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है इसका ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस इन क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या है, मल्टीपल क्लाइंट्स कैन शेयर द रिसोर्सेज एंड एप्लीकेशंस एट द सेम टाइम। मल्टीपल क्लाइंट्स यानी कि बहुत सारे क्लाइंट्स जो हैं वो एक ही टाइम पर रिसोर्सेज को और एप्लीकेशंस को शेयर कर सकते हैं। दीज क्लाउड सर्विसेज एंड रिसोर्सेज कैन बी यूज्ड ऑन डिमांड। ये जो क्लाउड सर्विसेज हैं और रिसोर्सेज हैं, आप इन्हें ऑन डिमांड यूज़ कर सकते हो एंड ऑफन बॉट ऑन अ सब्सक्रिप्शन बेसिस विदाउट ह्यूमन इंटरेक्शन विद द सर्विस प्रोवाइडर्स। क्या ऑन डिमांड भी आप इन रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप एक सब्सक्रिप्शन भी इसमें ले सकते हो और बिना ह्यूमन इंटरेक्शन के आप ले सकते हो, ठीक है। इसमें कोई भी मिडल मैन इंक्लूडेड नहीं होता, डायरेक्टली आपका इसमें कॉन्टैक्ट होता है सर्विस प्रोवाइडर्स से और वो डायरेक्टली आपको प्रोवाइड करते हैं सर्विसेज। टू अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे, अगर आपको अच्छे तरीके से समझना चाहते हो, और यू बाय क्लाउड सर्विसेज द सेम वे यू बाय टेलीफोन सर्विसेज और द इंटरनेट एक्सेस फ्रॉम अ यूटिलिटी कंपनी एंड पे फॉर देम एज पर द यूसेज, ठीक है। यानी कि क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए भी फीस पे करनी पड़ती है, जैसे आपको क्लाउड सर्विसेज भी क्या करने पड़ते हैं, खरीदने पड़ते हैं, जैसे आप टेलीफोन सर्विसेज या फिर इंटरनेट एक्सेस खरीदते हो ना किसी भी एक यूटिलिटी कंपनी से और उनके लिए पे करते हो आप, है ना। जैसे 499 का पैकेज होता है, 399 का, 299 का, ऐसे पैकेजेस होते हैं ना इंटरनेट के टेलीफोन सर्विसेज का, तो ऐसे ही क्लाउड सर्विसेज भी खरीदनी होती हैं, ठीक है। ये सब बोलते हैं ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस होती है। नेक्स्ट है ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस। सेल्फ सर्विस यहाँ पर क्यों बोल रहा है, क्योंकि अपने आप ही तो आप खरीदते हो इसे, किसी और की आपको नीड नहीं होती है यहाँ पर, इसीलिए बोल रहा है ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस। दूसरा फीचर है इसका ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस। क्लाउड कंप्यूटिंग सिंपली मीन्स दैट, इसका क्लाउड कंप्यूटिंग का सिंपली मीन क्या हो गया, सर्विसेज कैन बी एक्सेस्ड ऑन द इंटरनेट एनी टाइम एंड एनीवेयर इन द वर्ल्ड थ्रू मल्टीपल डिवाइसेज लाइक मोबाइल फोन्स, टैबलेट्स, लैपटॉप्स एटसेट्रा। ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस यानी कि क्लाउड कंप्यूटिंग में जो भी सर्विसेज हैं आप उन्हें इंटरनेट से, इंटरनेट पर कभी भी एक्सेस कर सकते हो, कभी भी कहीं भी पूरे वर्ल्ड में आप एक्सेस कर सकते हो, बहुत सारे डिवाइसेस पर एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए बोला है ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस है इसका, जैसे मोबाइल फोन्स पर भी यूज़ कर सकते हो, टैबलेट्स पर भी, लैपटॉप्स पर भी, तो इसलिए बोला है ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस है इसका। नेक्स्ट है रिसोर्स पूलिंग। द रिसोर्सेज लाइक वर्चुअल सर्वर स्पेस, नेटवर्क कनेक्शंस, बैंडविड्थ एटसेट्रा आर पूल्ड बाय मल्टीपल यूजर्स साइमल्टेनियसली फ्रॉम एनी लोकेशन विदाउट बीइंग इंटरफेयर्ड बाय द अदर यूजर्स। जो बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जैसे वर्चुअल सर्वर स्पेस, नेटवर्क कनेक्शन, बैंडविड्थ, ये सभी मल्टीपल यूजर्स के द्वारा पूल्ड करे जाते हैं, यानी कि यूज़ करे जाते हैं और सेम साइमल्टेनियसली फ्रॉम एनी लोकेशन, और किसी भी लोकेशन से आप रिसोर्स पूलिंग कर सकते हो, रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हो और बिना किसी दूसरे यूज़र के इंटरफेरेंस के, यानी कि एक ही सर्विस को बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं तो बिना किसी के इंटरफेरेंस के आप कहीं से भी इन्हें यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है रैपिड इलास्टिसिटी। समटाइम्स कभी कभी क्या होता है, कंज्यूमर्स रिक्वायर एडिशनल रिसोर्सेज इन अ स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम। कभी कभी कंज्यूमर्स को ना स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम में एडिशनल रिसोर्सेज चाहिए होते हैं,
इन सच अ सिनेरियो, ऐसे सिनेरियो में क्लाउड कंप्यूटिंग एक सॉल्यूशन है एज इट इज इनेबल्ड विद द इलास्टिसिटी फीचर, क्योंकि क्लाउड कंप्यूटिंग में इलास्टिसिटी फीचर आता है, यानी कि इट अलाउज द कंज्यूमर्स, ये कंज्यूमर्स को परमिशन देता है, अलाउ करता है टू ट्रांसपेरेंटली स्केल अप, यानी कि इंक्रीज कर सके, सॉरी टू ट्रांसपेरेंटली स्केल अप, यानी कि इंक्रीज कर सकें या स्केल डाउन कर सकें, डिक्रीज कर सकें उन रिसोर्सेज को अपनी कंप्यूटिंग नीड्स के अकॉर्डिंग। तो ये इलास्टिक है, ये क्लाउड कंप्यूटिंग का जो भी आपका सर्विस है ये इलास्टिक है, आप इन्हें अपने अकॉर्डिंग जितनी आपकी नीड्स है ना उसके अकॉर्डिंग आप इंक्रीज भी कर सकते हो और डाउन भी कर सकते हो, डिक्रीज भी कर सकते हो। नेक्स्ट एंड लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है क्लाउड कंप्यूटिंग का, मीजर्ड सर्विस, इट इज बेस्ड ऑन अ पे फॉर वॉट यू यूज मॉडल वेयर रिसोर्स यूसेज इज मॉनिटर्ड मीजर्ड एंड रिपोर्टेड ट्रांसपेरेंटली बेस्ड ऑन द यूटिलाइजेशन। यानी कि जैसे अलग अलग पैकेजेस होते हैं ना आपके इंटरनेट एक्सेस के और टेलीफोन सर्विसेज के, ऐसे ही इसमें क्लाउड कंप्यूटिंग में मीजर्ड सर्विसेज होती है, यानी कि बेस्ड रहता है कि आपको कौन सा मॉडल चाहिए, इसका कौन सा वाला पैकेज चाहिए, उसके बेसिस पर ही आप पे करते हो। ठीक है, जहाँ पर रिसोर्स का यूसेज आपको देखना पड़ता है उसका मीजर कितना है और रिपोर्ट उसे ट्रांसपेरेंटली रिपोर्ट करना पड़ता है यूटिलाइजेशन के बेसिस पर, यानी कि आपको जितना डेटा चाहिए उसके अकॉर्डिंग ही आपको क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विसेज मिलती हैं। तो ये हो गए हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स क्लाउड कंप्यूटिंग के। अब हम आगे पढ़ते हैं एडवांटेजेस क्लाउड कंप्यूटिंग के, क्या पढ़ेंगे एडवांटेजेस। फॉलोइंग आर दी वेरियस एडवांटेजेस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं वो दे रखा है। सबसे पहला है कॉस्ट सेविंग, ठीक है, विद द क्लाउड कंप्यूटिंग बेस्ड ऑन पे पर यूज मॉडल कंपनीज और कंज्यूमर्स कैन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस देयर आईटी कॉस्ट एंड रिक्वायरमेंट्स। क्लाउड कंप्यूटिंग जो होती है बेस्ड है आपकी पे पर यूज मॉडल, यानी कि पे करो और यूज करो, इसी मॉडल पर बेस्ड है क्लाउड कंप्यूटिंग। तो कंपनीज और कंज्यूमर्स जो हैं वो सिग्निफिकेंटली अपनी आईटी कॉस्ट और रिक्वायरमेंट्स को रिड्यूस कर सकते हैं। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स एक्सेस टू न्यूमरस स्टोरेज फैसिलिटीज एंड एप्लीकेशंस विच इन टर्न सेव द कंज्यूमर फ्रॉम स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी ऑन द सर्वर सेटअप एंड इंस्टॉलेशन कॉस्ट। ये जो आपका मेथड है क्लाउड कंप्यूटिंग का, ये बहुत सारी स्टोरेज फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करता है, एप्लीकेशंस भी प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से कंज्यूमर जो है बहुत सारा मनी जो उसे खर्चा करना पड़ता है ना सर्वर पे, उसके सेटअप पे, इंस्टॉलेशन पे, उसकी जितना भी कॉस्ट होता है, जितना भी खर्चा होता है उसे कंज्यूमर बचा सकता है, यानी कि क्लाउड कंप्यूटिंग कॉस्ट सेविंग मेथड है। नेक्स्ट रिलायबिलिटी, क्या रिलायबिलिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग इज मच मोर रिलायबल, बहुत ज़्यादा रिलायबल है व्हेन इट कम्स टू डेटा मैनेजमेंट बैकअप एंड रिकवरी फ्रॉम फेलियर्स। क्लाउड कंप्यूटिंग बहुत ज़्यादा रिलायबल है, यानी कि यूजफुल है जब हम डेटा मैनेजमेंट की, बैकअप की या फिर रिकवरी की बात करते हैं ना, तो क्लाउड कंप्यूटिंग रिलायबल मेथड है। इट प्रोवाइड्स यू विद द रिडंडेंट आईटी रिसोर्सेज, इसमें आपको बहुत सारे आईटी रिसोर्सेज मिल जाते हैं, ऑटोमेटिक डेटा बैकअप का ऑप्शन मिल जाता है और साथ ही क्विक फेल ओवर मैकेनिज्म भी आपको यहाँ पर मिल जाता है, इसलिए क्लाउड कंप्यूटिंग आपका रिलायबल मेथड है। नेक्स्ट है स्टोरेज कैपेसिटी, क्लाउड प्रोवाइड्स अ लार्ज एंड सिक्योर स्टोरेज स्पेस टू स्टोर मासिव वॉल्यूम ऑफ इन्फॉर्मेशन। क्लाउड जो है आपको बहुत बड़ा और सिक्योर यानी कि प्रोटेक्टेड स्टोरेज स्पेस प्रोवाइड करता है, जिसमें आप मासिव वॉल्यूम यानी कि बहुत बड़े अमाउंट का इन्फॉर्मेशन आप स्टोर कर सकते हो। यूजर्स कैन ऑल्सो चूज बिटवीन पब्लिक, प्राइवेट और हाइब्रिड क्लाउड्स डिपेंडिंग ऑन देयर सिक्योरिटी नीड्स। यूज़र्स की जैसे सिक्योरिटी नीड्स होती हैं कि अपनी पर्सनल रखनी है, प्राइवेट रखनी है या फिर पब्लिक करनी है, कैसी हैं उसके बेसिस पर आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हो कि आपको कैसा क्लाउड चाहिए, पब्लिक क्लाउड चाहिए, प्राइवेट चाहिए या हाइब्रिड क्लाउड चाहिए। ठीक है, फिर है एक्सेसिबिलिटी, क्लाउड्स अलाउज ईजी एक्सेस टू अ क्लाउड बेस्ड सर्विसेज एंड एप्लीकेशंस थ्रू द इंटरनेट इनेबल्ड डिवाइसेज लाइक डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट्स और मोबाइल फ़ोन्स। क्लाउड जो है वो ईजीली एक्सेसिबल है, ठीक है, उन सर्विसेज, उन ऐप्स के द्वारा जो इंटरनेट से चलती हैं। ठीक है, तो इजी क्लाउड जो है वो इजीली एक्सेस कर सकते हैं थ्रू इंटरनेट इनेबल्ड डिवाइसेज, जो इंटरनेट से डिवाइसेज चलते हैं उनसे आप इजीली एक्सेस कर सकते हो, वो गए जैसे आपके डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट्स और मोबाइल फ़ोन्स। तो ये इसके एडवांटेजेस हो गए। अब हम पढ़ते हैं स्टोरिंग एंड शेयरिंग डेटा यूजिंग क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग को यूज़ करके आप कैसे डेटा स्टोर कर सकते हो और कैसे शेयर कर सकते हो, हम इसमें ये पढ़ेंगे। देखिए, द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग और ट्रांसफरिंग डेटा और फाइल्स फ्रॉम योर कंप्यूटर टू अ क्लाउड स्टोरेज इज कॉल्ड द अपलोडिंग। वो प्रोसेस जिसमें आप स्टोर करते हो या डेटा या फाइल्स को ट्रांसफर करते हो अपने कंप्यूटर से क्लाउड स्टोरेज में, उसे हम बोलते हैं अपलोडिंग। ठीक है, कंप्यूटर से क्लाउड स्टोरेज में अपने फाइल्स को स्टोर करना या फिर उन्हें डेटा ट्रांसफर करने को हम बोलते हैं अपलोडिंग। एंड प्रोसेस ऑफ कॉपिंग फाइल्स फ्रॉम सर्वर टू अ सिस्टम, एक सर्वर से एक सिस्टम में फाइल्स को कॉपी करने की प्रोसेस को हम बोलते हैं डाउनलोडिंग। ओके, इट इज़ ईजी टू अपलोड एंड डाउनलोड फाइल्स फ्रॉम क्लाउड सर्वर्स। क्लाउड सर्वर्स को यूज़ करके आप इजीली अपलोड भी कर सकते हो और फाइल्स को डाउनलोड भी कर सकते हो। वंस यू अपलोड अ फाइल
एक बार आपकी फाइल अपलोड हो गई, कोई मैटर नहीं करता कि किस टाइप की फाइल है, तो आप इजीली उसे एक्सेस, यू कैन एक्सेस, मैनेज, ऑर्गेनाइज एंड शेयर इट फ्रॉम एनीवेयर. आप कहीं से भी उसे मैनेज कर सकते हो, ऑर्गेनाइज कर सकते हो और शेयर कर सकते हो. लेट अस लर्न हाउ टू स्टोर डेटा ऑन गूगल ड्राइव. गूगल ड्राइव आपकी क्लाउड स्टोरेज लोकेशन है, तो वहाँ से आप कैसे डेटा को स्टोर कर सकते हो, आपको ये हम सीखेंगे. गूगल ड्राइव वॉज लॉन्च्ड ऑन 24 अप्रैल 2012. गूगल ड्राइव लॉन्च कब हुआ था? 24 अप्रैल 2012 को. इट अलाउज द यूजर्स टू स्टोर एंड शेयर फाइल्स ऑन गूगल्स क्लाउड सर्वर्स. गूगल के जितने भी क्लाउड सर्वर्स हैं उन पे आप स्टोर कर सकते हो और फाइल्स को शेयर कर सकते हो. गूगल ड्राइव ऑफर्स 15 GB ऑफ फ्री स्टोरेज थ्रू गूगल वन. क्या गूगल ड्राइव आपको 15 GB फ्री स्टोरेज देता है गूगल वन के थ्रू? स्टोरिंग अ फाइल ऑन गूगल ड्राइव. अब गूगल ड्राइव पर आप फाइल कैसे स्टोर कर सकते हो? टू अपलोड अ फाइल ऑन गूगल ड्राइव आपको ये स्टेप्स फॉलो करने हैं. अपना जीमेल अकाउंट में साइन इन करना है. इफ़ यू डू नॉट हैव अ यूज़र आईडी एंड पासवर्ड, अगर आपके पास यूज़र आईडी एंड पासवर्ड नहीं है अपने जीमेल अकाउंट की, देन यू कैन रजिस्टर योरसेल्फ ऑन गूगल फर्स्ट. तो सबसे पहले आपको गूगल पर रजिस्टर करना पड़ेगा. क्लिक ऑन दी गूगल ऐप्स. ठीक है, गूगल ऐप्स पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये वाला बटन देखने को मिलेगा टॉप राइट कॉर्नर पे जीमेल विंडो की. ठीक है, क्लिक ऑन दी ड्राइव आइकन. ड्राइव आइकन पर आप क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर दिखाया हुआ है ये वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, है ना. इसके बाद आपको यहाँ पर ड्राइव का आइकन मिल रहा है, ड्राइव आइकन पर क्लिक कीजिए तो आपको गूगल ड्राइव विंडो मिल जाएगी. तो ड्राइव यानी गूगल ड्राइव विंडो ही हो गई है आपकी. वहाँ पर आप ओपन करेंगे तो आपको न्यू बटन पर क्लिक करना है. ठीक है, ये वाला न्यू आएगा आपका यहाँ पर, इस पर क्लिक करेंगे. सेलेक्ट दी फाइल अपलोड. फाइल अपलोड पर क्लिक कीजिए. इफ़ यू वॉन्ट टू स्टोर अ सिंगल फाइल, अगर आपको सिंगल फाइल स्टोर करनी है, देना यू हैव टू क्लिक ऑन फाइल अपलोड और चूज़ दी फोल्डर अपलोड ऑप्शन इफ़ यू वॉन्ट टू अपलोड अ फोल्डर. अगर आपको एक फोल्डर अपलोड करना है तो आपको फोल्डर अपलोड चूज़ करना पड़ेगा. फाइल यानी सिंगल के लिए और फोल्डर यानी बहुत सारे वो हो गए ना उसमें डॉक्यूमेंट्स, तो उसके लिए फोल्डर अपलोड कर सकते हैं. दी ओपन डायलॉग बॉक्स अपियर्स. ओपन डायलॉग बॉक्स आएगा. लोकेट एंड सेलेक्ट दी फाइल और फोल्डर यू वॉन्ट टू अपलोड. तो आपका ओपन डायलॉग बॉक्स आएगा, वहाँ पर आपको अपनी जो भी आपको फाइल या फोल्डर अपना अपलोड करना है उसे लोकेट करना है और सेलेक्ट करना है. क्लिक ऑन दी ओपन बटन. ओपन बटन पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये देखिए आपकी ऐसी विंडो खुल जाएगी. ठीक है, यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स में आप मान लीजिए कोई सी भी आपकी फाइल अपनी सेलेक्ट कर लीजिए, फोल्डर सेलेक्ट कर लीजिए. ओपन बटन पे यहाँ पर आपने क्लिक किया, द सेलेक्टेड फाइल और फोल्डर विल स्टार्ट अपलोडिंग टू गूगल ड्राइव. जो आप भी आपने फाइल सेलेक्ट करी होगी ना ओपन करने के बाद, वो आपकी गूगल ड्राइव में अपलोड होने लगेगी. वंस द फाइल इज अपलोडेड, जब आपकी फाइल अपलोड हो जाएगी यू विल गेट अ नोटिफिकेशन. आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आपको यहाँ पर ऐसे नीचे लिखा हुआ मिलेगा कि आपकी एक आइटम अपलोड हो रही है. ओके, अब ये तो हमने देख लिया स्टोर कैसे करते हैं. अब हम देखते हैं शेयरिंग अ फाइल. फाइल को शेयर कैसे करोगे? टू शेयर अ फाइल फ्रॉम योर गूगल ड्राइव. आपने गूगल ड्राइव में शेयर तो कर, वो अपलोड तो कर दी. अब गूगल ड्राइव से अगर आपको शेयर करनी है तो आपको क्या करना होगा? लोकेट एंड सेलेक्ट दी फाइल यू वॉन्ट टू शेयर. जो भी आप फाइल अपनी शेयर करना चाहते हो उसे लोकेट कीजिए, यानी कि ढूंढिए और सेलेक्ट कीजिए. देन क्लिक ऑन दी शेयर बटन. शेयर बटन पर क्लिक कीजिए. ठीक है, सेलेक्टिंग अ फाइल टू बी शेयर, जो आपको शेयर करनी है उसमें से. ये आप माई ड्राइव आ गया, यहाँ से आप देखिए अब यहाँ पर ये वाली सेलेक्ट करी हुई है. डायलॉग बॉक्स आएगा, इस पर सेलेक्ट करने के बाद टाइप दी ईमेल एड्रेसेस ऑफ द रेसिपिएंट्स इन दी ऐड पीपल एंड ग्रुप्स बॉक्स. आपको एक डायलॉग बॉक्स आएगा, तो अब आपको किसी को शेयर करनी है तो उसका आपको ईमेल एड्रेस डालना पड़ेगा रेसिपिएंट का, यानी कि रिसीवर का. रिसीवर का क्या डालना पड़ेगा आपको? ईमेल एड्रेस डालना पड़ेगा. तो वो आपको डालना है ऐड पीपल एंड ग्रुप्स बॉक्स में. किसमें? एड पीपल्स एंड ग्रुप बॉक्स में, यानी कि यहाँ पर आएगा. इफ़ यू वॉन्ट, अगर आप चाहते हैं यू कैन एड अ मैसेज दैट विल बी ई मेल टू द रेसिपियंट्स. अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पर आप एक मैसेज भी यहाँ पर लिख सकते हैं जो आप चाहते हैं कि रेसिपियंट्स तक पहुँचे. तो एंट्रिक ई मेल एड्रेसेज ऑफ रेसिपियंट्स एंड अ मैसेज. तो आप यहाँ पर रेसिपियंट्स डाल सकते हैं, एक से ज़्यादा रेसिपियंट्स को आप यहाँ पर डाल सकते हैं. फिर आगे देखते हैं क्या करना है. While sharing a file, फाइल शेयर करते वक्त यू कैन डिसाइड whether द recipients कैन edit, कमेंट ऑन और सिंपली व्यू the फाइल बाय प्रोवाइडिंग द एक्सेस टू द फाइल. जब आप फाइल किसी भी recipient से शेयर कर रहे हो तो आप ये भी देख सकते हो कि आप क्या चाहते हो, कि जो रिसीवर है वो आपके डॉक्यूमेंट्स जो भी आपने फाइल भेजी उसे एडिट कर सकता है, कमेंट उस पर कर सकता है, नहीं कर सकता है, या फिर सिंपली उसे देख ही सकता है ना. उस फाइल को आप एक्सेस प्रोवाइड कर सकते हो उन recipients को. टू प्रोवाइड एक्सेस, एक्सेस प्रोवाइड करने के लिए ब्रिंग दी पॉइंटर ऑन दी ड्रॉप डाउन एरो ऑन दी राइट ऑफ द रेसिपियंट्स नेम्स एंड चूज एनी ऑफ दी फॉलोइंग. जब अगर आपको एक्सेस प्रोवाइड करना है कि एडिट का, कमेंट का या फिर व्यू करने का, आपको एक्सेस प्रोवाइड करना है रेसिपियंट्स को, तो आपको अपना पॉइंटर जो है उसे ड्रॉप डाउन एरो पर लाना है.
जो रेसिपिएंट का नेम होगा ना उसके राइट साइड में ड्रॉप डाउन एरो आएगा, उस पर आप करेंगे तो आपको एक लिस्ट खुल जाएगी, कैन एडिट, कैन कमेंट, कैन व्यू। एडिट का मीनिंग टू अलाउ द रेसिपिएंट्स टू एडिट द शेयर्ड फाइल। तो इससे अगर आप कैन एडिट पर क्लिक करेंगे तो इसका मीनिंग होगा कि रेसिपिएंट्स को आप अलाउ कर रहे हो कि वो जो भी उनके वो फाइल आपने शेयर करी है वो एडिट कर सकते हैं। कैन कमेंट टू अलाउ द रेसिपिएंट्स टू ऐड देयर कमेंट्स ओनली ऑन द शेयर्ड फाइल, यानी कि सिर्फ कमेंट कर सकते हैं वो शेयर्ड फाइल। और कैन व्यू यानी टू अलाउ टू व्यू द फाइल ओनली, वो सिर्फ आप उसमें देख ही सकते हो और कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, ये सब करने के बाद सेंड बटन पर क्लिक कीजिए, आपकी फाइल शेयर हो जाएगी। हियर यू कैन ऑल्सो क्लिक ऑन द कॉपी लिंक बटन, यहाँ पर आप कॉपी लिंक बटन पर भी क्लिक कर सकते हैं टू गेट द लिंक ऑफ द फाइल टू बी शेयर्ड विद द अदर्स। ठीक है, क्या कॉपी लिंक बटन पर अगर आप क्लिक करेंगे तो जो भी आपकी फाइल है उसकी लिंक आपकी शेयर हो जाएगी दूसरों के साथ भी, और आप उसे पेस्ट कर सकते हो अपने मेल में भी। ओके, टू साइन आउट फ्रॉम द गूगल ड्राइव, अगर आप गूगल ड्राइव से साइन आउट करना चाहते हैं, बाहर निकलना चाहते हैं, देन यू कैन सेलेक्ट योर प्रोफाइल आइकन, अपने प्रोफाइल आइकन पर क्लिक कीजिए एंड साइन आउट बटन पर आप क्लिक कर दीजिए। तो इस तरीके से आप शेयर कर सकते हो। इसके साथ ही हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, हम जल्दी से इसकी एक्सरसाइज कर लेते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन आंसर्स होने के बाद क्या होगा, ये हमारे लास्ट के चैप्टर्स तो हो गए, स्टार्टिंग के 4 चैप्टर्स हमारे रिमेनिंग है, हम वो भी 1 by 1 कंप्लीट कर लेंगे। तो जल्दी से हम कर लेते हैं इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस। एक्सरसाइज में सबसे पहले आते हैं आपके फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में सबसे पहला है आपका डैश इज द फिजिकल पाथ थ्रू विच द मैसेज ट्रैवल्स फ्रॉम सेंडर टू द रिसीवर। वो फिजिकल पाथ जिसमें से मैसेज आपका ट्रैवल करता है उस पाथ के थ्रू सेंडर से रिसीवर तक के लिए, तो उस फिजिकल पाथ को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसमिशन मीडियम। क्या बोलते हैं, ट्रांसमिशन मीडियम। अ डैश इज अ कंप्यूटर नेटवर्क दैट कवर्स अ स्मॉल एरिया ऑफ अबाउट 10 meters। ये एक नेटवर्क का, ये कंप्यूटर नेटवर्क है जो 10 meters का एरिया कवर करता है, उसे हम बोलते हैं पैन, PAN। अ डैश इज एन इमेज, ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स और टेक्स्ट दैट यू क्लिक ऑन जंप ऑन अ वेब पेज टू अनदर। ये आपकी एक इमेज, ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स या टेक्स्ट होते हैं जिस पर आप क्लिक करके आप एक वेब पेज से दूसरे पेज में जा सकते हैं, इसे हम बोलते हैं हाइपर लिंक। क्या बोलते हैं, हाइपर लिंक। डैश इज मेड अप ऑफ 32 बाइनरी बिट्स विच आर सेपरेटेड इंटू 4 ग्रुप्स ऑफ 8 बिट्स। ये आपके 32 बाइनरी बिट्स का बना हुआ होता है जो सेपरेटेड होते हैं 4 ग्रुप्स में, और हर ग्रुप में 8 बिट्स होती हैं, इसे हम बोलते हैं IPv4, वर्जन 4 है ना, याद है। द सेट ऑफ रूल्स दैट डिटरमाइंस हाउ डेटा शुड बी ट्रांसफर्ड ओवर नेटवर्क्स कंप्रेस्ड एंड डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड। वो सेट ऑफ रूल्स जो हमें ये बताता है, ये डिटरमाइन करता है कि कैसे डेटा को हमें नेटवर्क्स में ट्रांसफर करना है, कंप्रेस करना है या स्क्रीन पर डिस्प्ले करना है, उन सेट ऑफ रूल्स को हम बोलते हैं प्रोटोकॉल्स। क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉल्स। हमारे फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हो गए, हम करते हैं इसके ट्रू एंड फॉल्स। अपलोडिंग इज द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग और ट्रांसफरिंग डेटा फ्रॉम योर कंप्यूटर टू अ क्लाउड स्टोरेज। अभी अभी पढ़ा है हमने, अपलोडिंग क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसमें हम डेटा को स्टोर या ट्रांसफर करते हैं कंप्यूटर से क्लाउड स्टोरेज में। ट्रू। SMTP इज यूज फॉर सेंडिंग emails बिटवीन 2 or more सर्वर्स। SMTP का यूज़ किया जाता है emails भेजने के लिए 2 या 2 से ज़्यादा सर्वर्स के बीच में। ट्रू। गूगल ड्राइव ऑफर्स अनलिमिटेड फ्री स्टोरेज थ्रू गूगल वन। गूगल ड्राइव जो है वो आपको अनलिमिटेड फ्री स्टोरेज ऑफर प्रोवाइड करता है गूगल वन के थ्रू। इट इज़ फॉल्स, वो आपको 15 GB प्रोवाइड करता है ओनली। कैन कवर्स एन एरिया स्मॉलर देन मैन। कैन जो है वो मैन से कम एरिया कवर करता है। ट्रू। ISP प्रोवाइड्स एन इंटरनेट कनेक्शन टू द यूजर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। ISP जो है वो इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करता है यूजर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट। फॉल्स, वो आपको पे करना पड़ता है उसमें, है ना। तो ये हो गया आपके ट्रू फॉल्स। अब हम करते हैं सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। हाइपर टेक्स्ट अपीयर्स विद एन अंडरलाइन एंड इज यूजुअली इन डैश कलर। हाइपर टेक्स्ट जो है वो आपका अंडरलाइन में आता है और यूजुअली कौन से कलर में होता है, ग्रीन, रेड, ब्लू, तो वो होता है आपका ब्लू कलर में। विच नेटवर्किंग डिवाइस इज यूज टू रीजनरेट सिग्नल्स। किस नेटवर्किंग डिवाइस का यूज़ करके हम सिग्नल्स को रीजनरेट कर सकते हैं, स्विच, रिपीटर, रूटर, तो रिपीटर। अ डैश कन्वर्ट्स डिजिटल सिग्नल्स इंटू एनालॉग सिग्नल्स एंड वाइस वर्सा। ये डिजिटल सिग्नल्स से एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट कर सकते हो और एनालॉग से डिजिटल में कर सकते हो। किसका यूज़ कर सके, रिपीटर, ब्रिज और मॉडम। तो मॉडम का यूज़ करके आप डिजिटल टू एनालॉग कर सकते हैं, एनालॉग टू डिजिटल भी कर सकते हैं। इंटरनेट इज एन एग्जांपल ऑफ डैश। इंटरनेट किसका एग्जांपल है, लैन, कैन, वैन, लैन का। डैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेटा ट्रांसमिशन ओवर द नेटवर्क। ये रिस्पॉन्सिबल होता है नेटवर्क में डेटा ट्रांसमिशन करने के लिए, TCP/IP, SMTP, FTP, तो ये होता है आपका TCP/IP। अब हम करते हैं एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। रिया वॉन्ट्स टू मूव पिक्चर्स ऑफ हर रीसेंट US ट्रिप फ्रॉम हर कंप्यूटर्स हार्ड डिस्क टू अ क्लाउड। रिया चाहती है कि वो जो अभी लास्ट टाइम US ट्रिप पर गई थी उस टाइम की जो उसकी भी उसकी
पिक्चर्स हैं, फोटोग्राफ्स हैं, उन सभी को वो कंप्यूटर की हार्ड डिस्क से क्लाउड में मूव करना चाहती है. सजेस्ट हर एनी क्लाउड ड्राइव दैट शी कैन यूज़ टू स्टोर दी डेटा. कोई भी ऐसी क्लाउड ड्राइव आपको सजेस्ट करनी है जिसका यूज़ करके वो उस डेटा को स्टोर कर सकती है, तो वो आप बोल सकते हो गूगल ड्राइव. ठीक है, गूगल ड्राइव सबसे कॉमन है. नेक्स्ट है, रोहन हैज़ ओपनड ए न्यू ब्रांच ऑफ हिज ऑफिस इन नोएडा. रोहन ने नोएडा में अपनी एक अपने ऑफिस की न्यू ब्रांच ओपन करी है. ही वॉन्ट्स टू लिंक द कंप्यूटर्स ऑफ दिस डिविजन विद द कंप्यूटर्स ऑफ हिज होम ऑफिस इन श्रीनगर. वो चाहता है कि इन कंप्यूटर्स, ये जो कंप्यूटर उसने खोला है, ये जो ब्रांच खोली है, इसमें जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो उन्हें लिंक करना चाहता है उसका जो होम ऑफिस है श्रीनगर में उन सभी कंप्यूटर्स से. व्हाट फॉर्म ऑफ नेटवर्किंग बेस्ट फिट्स हिज रिक्वायरमेंट्स. उसके रिक्वायरमेंट्स को कौन से टाइप का नेटवर्क सूट करेगा, वाइड एरिया नेटवर्क सूट करेगा. वैन विच टाइप ऑफ नेटवर्क विल यू रिकमेंड इन अ स्कूल फॉर डेटा एंड हार्डवेयर शेयरिंग. स्कूल में किस टाइप का नेटवर्क होना चाहिए डेटा और हार्डवेयर शेयर करने के लिए, लोकल एरिया नेटवर्क अच्छा रहता है, जिसे हम बोलते हैं लैन. तो ये चैप्टर हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है. नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स. तो आई होप आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है, अच्छा आपको कंटेंट भी लग रहा है, और आपके एग्जाम्स कैसे जा रहे हैं ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ. थैंक यू.